बढ़िया है। नहीं सर सर ऐसा नहीं प्रोटोकॉल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्लि अला रसूलिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरीन कराम बुजुर्ग दोस्तों, मैं और आप सहर स्किल डेवलपमेंट सेंटर के इफ्तिताह के जलसे में मौजूद हैं। इंशाल्लाह जलसे का आगाज कुरान मजीद की तिलावत से होगा। मैं मौलाना से अर्दन गुजारिश करता हूँ वो कुरान मजीद की तिलावत से जलसे का आगाज करें। इस सेंटर के रूह रवा इसके मैन बिहाइंड द प्रोजेक्ट जनाब बशीर अहमद साहब, ये छोटे से खरिये में पैदा हुए किया पल में, ये मेरे फुफेरे भाई भी ही, इनके वालिद हाई स्कूल प्राइमरी टीचर थे। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने डिप्लोमा किया कारपोरेट में, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करे दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट कंपनी में बहुत बेहतरीन काम में ही, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अच्छा नवाजा है। इसके बावजूद मेरे साथ इन्हों सोशल वर्क में जुड़े हुए हैं, बच्चों के एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ साथ दे रहे हैं, करियम के बच्चों के लिए। जब इन्हों मेरे साथ तबादला ख्याल करें तो इनकी एक्सपीरियंस क्या है बोले तो, जो भी बच्चे डिग्री करके बाहर निकल रहे बीई डिप्लोमा, इनके बाद इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा। की एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा बोले तो, इनको एक छोटा सा इनको शार्प करना है, ये शार्प कर डाले तो एक कोर्स छोटा मिल गया तो इंशाल्लाह इनका काम हो जाता है, इनका बेड़ा पार होता बोलते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इनका ये सेंटर से इनकी ब्रेड बटर चलने का नहीं है कि क्योंकि तो इस अभी भी स्टिल यू नो दुबई में वर्क कर रहे, ये इनकी ओन बिल्डिंग है और पैसा लोन इनका नहीं है, पूरा इनका खास पैसा, और इनो इससे इनकी रोजी नहीं है। अब इन 15 तारीख के बाद इनो निकल जाते, पूरा सेटअप कर सेटअप करके इनके काम से इनो चले जाते, 20 दिन में इनो और वापस आते, इनका 20 दिन काम है 20 दिन छुट्टी है ऐसी कंपनी में ही से, खास बिल्डिंग ओन पैसा और इससे कमाने का नहीं है। और इनका क्या है लोगों बोले तो, सेंटर भी चलना बच्चों को फायदा भी होगा, जहां 10 रुपए फीस दे रही इन 3 रुपए 4 रुपए में काम कर, सेंटर भी एस्टेब्लिश होना और बच्चों को खिदमत भी होना वो जज्बे से इन्हों काम कर रही। मैं तो इनके सामने एक बच्चा केयरपेट से आजा हुआ है, इधर सैयद इधर रहमान खान साहब के बगल में, इधर रहमान खान के रहमान खान साहब के एकदम पड़ोसी केयरपेट में बच्चा, एतिम बच्चा, मामू इनके हिंदे हो इनको साथ ही सोल, ये बच्चा मुझे 7 साल पहले हजरत फोन करके बोला हजरत मुझे 92% आपको है SSLC में, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं बोले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान अल्लाह का करम, मैं बोला मैं केयर इनको केयरपेट से फोन करा, मैं मैसूर में था सुबह को, तुम्हें क्या को आना नहीं तो मैं केयरपेट को आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इनको डिप्लोमा करे, बीई करे इन सिविल कर, बी इन सिविल कर, मुझे 2 महीने पहले इनका कंप्लीट हुआ सो कोर्स, मुझे इन क्या बोले कर बोले तो भैया सिविल में मुझे तो स्कोप नहीं है, मैं मुझे तुम्हें 25,000 रुपए दो, मैं बेंगलुरु को जाकर एक कोर्स कर लेको IT कंपनी को चले जाता हूँ। मैं इनके साथ डिस्कस करा, इन्हों बोला हरगिज भेजो रखो, सिविल का बच्चा IT कोर्स कर लेको छोटा कोर्स कर ले गया तो उन्हें उन्हें क्या रहा है तो लेबर क्लास में चलता है, मुझे उसे काउंसलिंग करने की होगा। मैं फोन करा, उन्होंने बोला 20-22 साल का 22 दिन का कोर्स कराओ, कोर्स करा को मैं इसे काम उसकी फील्ड में कितने ऊपर ले जाना अति ऊपर ले जाना, और ये इंस्टीट्यूट का पहला बच्चा है इंशाल्लाह, हजरत से सर्टिफिकेट में मिल गया और फ्री स्पॉन्सरशिप में 25,000 रुपए का स्पॉन्सरशिप फ्री दे। अभी रोज बच्चा केयरपेट से पास कर रहा, पास कर लगा आपको जाकर एडमिशन में बेहतरीन मकसद से काम कर रहे। मैं जरा बशीर डिपार्टमेंट है जस्ट पास हो
सर आप एक मिनट सर हेलो भाई बशीर भाई नहीं एक मिनट सर सामने हो सर इधर आओ सर यहाँ हाँ जी जी तो बच्चे के साथ रहो सर सर यहाँ देखो सर यहाँ देखो भरत भाई यहाँ देखो ओके अब जी मेरा नाम सैयद बशीर अहमद जी मैं बेसिकली आई एम मैकेनिकल इंजीनियर जी सर आई एम फाउंडर एंड डायरेक्टर इन चंद्रागढ़ जी सर मेरा फादर थे ही वाज अ टीचर ओके सो ही वाज इन आरके जी इन माय डिप्लोमा इन कैपिटल पॉलिटिक्स तो मैं ग्रेजुएशन स्टार्ट करें यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जी तो आई स्टार्टेड माय करियर जी स्लोली जो है मैं जो है मेरा ये जो है जॉब जो है शिफ्टेड सर हमारे सोसाइटी में नौजवान ऐसे हैं जो स्किल उनके अंदर है लेकिन उनको उभारने वाले कोई नहीं थे तो आज एनआर के जो राजीनगर मशहूर एरिया है वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी बैंक के बिल्कुल सामने जो आप एग्जिस्टिंग जो शहर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं फर्स्ट तो आपको मुबारकबाद हो दूसरा ये कि आप वो क्या कोर्स करने जा रहे हैं जो बच्चों को आने वाले दिनों में उनका फ्यूचर बन सकता है थोड़ा हाईलाइट दीजिए The purpose of launching this institute जो है जी तो मेरा जो रास्ता हुआ जी बच्चों से जी जी मेरा जब रास्ता हुआ बच्चों से जी वो जो है ग्रेजुएशन होता है जी इट इज गुड फॉर्मल एजुकेशन होना इज मस्ट मैंडेट जी मतलब उसके बाद जो है जॉब के लिए जो है जी ये रिक्वायर टू अक्वायर सम स्किल ऑफ कोर्स तो देयर आर इन द रिस्पेक्टिव अब जैसे कि जो है एक मैकेनिकल इंजीनियर यू डोंट नीड टू वर्क इन ओनली इन द ऑपरेटिंग रूम यस सी देयर आर मेनी फील्ड्स He can pursue his career in inspection, he can pursue his career in planning, design and drafting, aisa hai. But I felt myself, yahan Mysore mein jo hai, ki I think they need a free counseling, kyunki jo hai, unko jo hai, jo graduates hai, unko maloom nahi. Bilkul sir. So this is what I mentioned to my associates, we will increase our free counseling to the youth, and it is up to their choice, we will recommend them. See, these are the courses to be done. Aur inko zaruri nahi ki yahan se karo pa. Where are the courses available nearby, we will yahan se bhi kar sakte hain. आपको जी बहुत अच्छा सवाल पूछे ये मी कब बोले तो जो है जैसा अभी हमारे जो दोस्त जो है ताहिर जो है उनके साथ मेरा कंट्रीब्यूशन था बहुत सालों से कंट्रीब्यूशन है जी तो उन्होंने जो है एजुकेशन बुलाने में जो है जितना जो सालों से जो काम जो कर लेगा रही तो ये कोरोना के टाइम पे जो है मुझे जो है उन्होंने कहकर बहुत सारे एक बच्चों को मुझे मिला है उसमें एक बच्चा जो भी था तो जो है वो ग्रेजुएट्स हैं मगर उनको बगैर जॉब के जो है वो बैठे और बिकॉज ऑफ द जॉब की फ्रस्ट्रेशन उन्होंने क्या करते हैं सो डिसिप्लिन को जो है स्विच ओवर कर ले मैकेनिकल इंजीनियर है स्विचिंग ओवर टू द आईटी यस यस सो दिस इज नॉट इम्पेक्ट रियली बैड सो जब मैं जो है मेरा एक पर्सनल ओपिनियन मैं इनसे शेयर कराया क्या बोले तो जो है एक पांच साल पहले जो है मैं एक्सटेंडेड में फाइनेंशियल सपोर्ट क्यों गए एज एन इंडिविजुअल मैं बोला अभी जॉब में इसमें चेन्नई में और मुंबई में जो है ये स्किल है तो मैं जहाँ को ये स्किल कर ले पाऊँ जस्ट ए मैटर ऑफ 3 वीक्स और एक कोर्स उन्होंने जो करें वो 4 वीक्स है ओके वो करे सो कुछ ही देर में जो है उनको जॉब मिल गया नाउ दिस गाइस आर वर्किंग इन द आयरन इंडिया से इन फील्ड में सो वहाँ पे जो है मुझे ये एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट जो है मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं वी शुड ब्रिंग दिस इंस्टीट्यूट तो मैं जब हमारे एसोसिएट्स को मैं बताया
सो दे सपोर्टेड मी नॉट प्रोएक्टिवली, उसमें कोई भी ये नहीं बोला। अभी ये जो स्पीच आप हमारे टाक्सर से जो सुने हैं, यू हैव गॉट अ वेरी ब्रॉड विजन, मेरा नहीं था वो विजन, अभी ये होने के बाद जो है नाउ आई एम अलाइन विद देम, इंशाल्लाह जो भी मतलब बिक्री है। ये चीज मैं तुम्हारे मीडिया के थ्रू में बोलना चाहूँगा, यहाँ पे मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ जब फ्री काउंसलिंग करा था, बच्चे जो है आए आफ्टर सीइंग द फीस जो है उन्होंने सरप्राइज, उन्होंने बोला मुझे ऐसा कैसे हो सकता है इतना कम, बोले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब वैसे कम फीस कम है, बिल्कुल जो है देर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन कोर्स, सो दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा सर, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू जी सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे मैंने जाना, यहाँ पे जो लोग आए हुए थे, खुसूसन ये जो अमीर लोग अभी आए थे, उनसे स्पॉन्सरशिप की बात हुई, तो उन्होंने कहा, इब्राहिम सेठ साहब ने कहा कि कोई अगर काबिल है लेकिन वो कोर्स की फीस दे नहीं सकता तो वो लोग आगे बढ़ेंगे, तो आपको एक तरह से एक उन लोगों को फायदा आप दे सकते हैं, या कि आप एक सीढ़ी बन सकते हैं लोगों को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए, तो आप क्या कहेंगे सर? ये बहुत अच्छी बात बना जी, एक्चुअली इससे पहले भी जो है हमें डिस्कस करें जी, क्या करेंगे जो भी बच्चे जो एडमिशन को आते हैं, वी शुड टेक द मीन यस ओके, अब उसमें जो फाइनेंशियल यहाँ पे जो है ऑलरेडी फी स्ट्रक्चर जो है एट द मिनिमम लेवल है, मार्केट प्राइस में जो है 30-40% लेस है जी, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि के अलावा जो है जो बोले जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको जो है तुम्हें क्या करो डाइवर्ट ओवर कंज्यूमर, उन्होंने क्या करते हैं फीस जो है जो फीस है वो दे देते हैं, सो द स्टूडेंट विल कंटिन्यू द वेरी वाइटल एडवाइस हमारे जी, तो इसका मतलब जो है कोई भी स्टूडेंट जो आती है सो ही विल नॉट गो विद द इंक्रीमेंट, सो ही विल गेट दैट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों में काबिलियत की कोई कमी नहीं है जी, इसका अंदाजा मुझे है तकरीबन 3-5 साल टीचिंग के प्रोफेशन रहकर हमारे बच्चों की क्वालिटी देखा हमने, मगर कमी आज वो बच्चों के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस की नहीं है, खुद एतमादी, जब उनके अंदर खुद एतमादी आ जाती है तो वो दूसरों को जवाब देने की काबिलियत होती है बिल्कुल, उसके वास्ते क्या आज के प्रेजेंट जो डिजिटल लाइफ चल रही है आज की मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, एक कम्युनिकेशन स्किल, स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, बॉडी लैंग्वेज, ये चीजें की जरा हमने पॉलिश करके पुश कर दिया तो इंशाल्लाह वो छा जाए बिल्कुल, ये अल्लाह की जैसे हमें उम्मीद है और हमें तजुर्बा भी है जी, वो काम मैं हमारे सीईओ साहब जो सैयद मोहम्मद बशीर भाई हैं, हमारे एक बेड़ा उठाए हैं, हम इनके साथ हैं और तमाम आज जितने भी अहबाब यहाँ आए थे वो सब एक एक इदारा ही बिल्कुल अपनी जगह एक इदारा ही बात, और बहुत क्वालिटी महफिल जमी थी, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं बहुत बच्चों का भला होगा, खुसूसन बच्चियों का, जो लड़कियां हैं जो बाहर जॉब को नहीं जा सक रहे वो बच्चियां आज 4 जूनियर कॉलेज में अलाज नंदर सेठ साहब जो उनकी जद्दोजहद से जो गवर्नमेंट कॉलेज है शुरू हुआ है 150-200 रुपए में फीस देकर वो उन्हीं से पास कर रही है, अब वरना वो बच्चों का मुस्तकबिल बिल्कुल तारीख था अपना था, आज वो बच्चों को यूसी पास करने के बाद टैली या फोटोशॉप या फिर यू लीड या फ्रंट लाइन इस किस्म के छोटे छोटे ट्रेनिंग जिला है, तो इंशाल्लाह वो खुद एतमादी के साथ ग्राफिक डिजाइनिंग है या इसे कोर्स कर लेकर है वो खुद अपने पाँव पर खड़ सकते। थैंक यू सर। Actually, my name is Shiva Prasad. Okay. I am a mechanical engineer with 15 years experience in industrial sector, mechanical industrial sector. Okay, sir. Today, anyhow, Sahar Development Skill Development Program is inaugurated. Okay. About congratulations about that. Yeah. Existing what training you have, sir? Sir, actually, we have developed some training programs for engineers, diploma holders, and IT to develop their skill in various sectors of engineering. Like in civil engineering, mechanical engineering, and electrical engineering. Okay. We have designed and developed some courses. Okay. Not courses, we can say it as skill development program, because whenever we are completing our program for engineering program, you don't have enough skill to go to industrial sector. So that we have developed. We are all coming from industrial sector. Okay. And we know how to develop an industrial technician or a professional engineer. How to develop? We know that. So that we have developed some courses for civil engineers, mechanical engineers, electrical engineers, IT holders, etc. Any particular age limit is there, sir? Age limit, actually, this is a skill development program.
actually see from even from industry also you can study, so that there is no age limit to study, develop your skill. Okay. And compared to other skill development programs, what is the specialty about yours, sir? Actually, sir, we are giving training not in a theoretical model. Uh-huh. Whatever the theory we are saying, we are doing it practically. Hmm. Okay. There is no distinguish between theory and practical. If you are studying theory only, then you have to go for the practical. We are having practically proven track record. That's what our specialty. Okay. Sir, after SSLC also, there are so many youths. Yes. They are spending a waste of time in blah, blah. So, what is your message? They have to gain the time and all. Okay. Actually, if you want to go to industry, yeah. For SSC, actually already we have discussed in the inauguration, right? Yeah. For a 7th class also, you can go for some technical courses like fabrication, welding. Mm. Like that, you can develop your skills and you can go to the industry. Particular duration is there for any courses and all? Duration, sir, actually every course is from 1 month to 3 months. Okay. Okay, if they can't develop their skills in that 1 month or 3 months, we will give more duration. That's okay. All. From morning to evening, what is the time of your... 6 hours. 6 hours training. No, means from morning, what time morning it will be starting? 10 we will start and okay. Stop at 1 o'clock and again okay. 2 we will start, we will stop at 5 o'clock. Congratulations, wish all the best to you. Yeah, thank you. Thank you. मैं साहिद पाशा में कैप कर सकूं जी, मेरा एसएलसी हुआ, एसएलसी के बाद मुझे मदद चाहना चाहिए कि डिप्लोमा पढ़ना मेरा इंटरेस्ट था। एसएलसी के बाद आपको डिप्लोमा पढ़ने के लिए ख्वाहिश थी लेकिन पैसे नहीं थे जी। उसके बाद ताहिर मामा ने मामा का नंबर मिला, मैंने फोन किया। अच्छा। मामा मैं एसएलसी पास हुआ हूँ, मुझे डिप्लोमा पढ़ना है जी, कुछ पैसे की मदद चाहिए। आपके रिश्तेदार हैं वो? बस आपने मामा लखब दिया जी जी जी। तो बाद में क्या हुआ? हाँ ठीक है, तुम ही मेरे पास आने का तो नहीं, तुम्हारे पास जी एडमिशन कराया जी, डिप्लोमा अल्लाह को सिला, उसके बाद 3 साल मेरे अल्लाह के जी। उसके बाद मामा बी भी पढ़ना चाहता हूँ जी, डिप्लोमा पढ़ना चाहता हूँ बोला जी। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, बी भी पढ़ो, अल्लाह के फजल से बी भी 4 साल हो गए, मुकम्मल हो गया आपका माशाल्लाह। अब ट्रेनिंग करना चाहता हूँ मामा, करके मैंने बोला हाँ ठीक है, ट्रेनिंग यहाँ ही ठीक है। यानी आज जो सहर स्किल डेवलपमेंट सेंटर हुआ है वहाँ आपसे ट्रेनिंग लेने आए हैं आप, माशाल्लाह विश ऑल द बेस्ट है। जो दिख रहे हैं आप, जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं आप जैसे नौजवान हैं, उनको क्या बताएंगे आप, मैसेज क्या है आपका? मैसेज ये है कि पढ़ना, कोई मुश्किल आ जाए इंशाल्लाह, सपोर्ट इंशाल्लाह अल्लाह देगा, अल्लाह देगा बेशक। हजरत आपका नाम बताइए? गफर। गफर, आपके बेटे को मुश्किल होने के बावजूद उसने सिर्फ अल्लाह से दुआ की और जरिया ताहिर भी जैसे लोग मने, तो देखने वाले को आपका क्या मैसेज है? आप क्या काम क्या करते हैं आप? छोटा मोटा जी पल्ला जी 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 क्या बंदोबस्त करेंगे जी, जी उसके वास्ते एडमिशन की सब दिए जी बंदे जो अमाउंट इसका आता था एडमिशन ठीक है सब बंदे बनो अरे इसके पैसे है स्कॉलरशिप छोटे हमें वापस दिया और लेकिन फिर भी आपका बच्चा लायक बन गया अच्छा जी जी शुक्रिया।